जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे भाई फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हमारे साथ सामने मौजूद है और आज बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम हमारे भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बेहतरीन सर, आज मेरे ख्याल से 8th जनरेशन लैपटॉप है। 8th जनरेशन है सर, और ये आपकी, आप कहते हैं ना एचपी की दुल्हन, ये वही वाली सीरीज है। अच्छा जी, एलीट बुक है, 830G6 है और 8GB रैम है, 256GB SSD है, मेटल बॉडी है, टच स्क्रीन है और मुझे की बात बताऊँ टच भी इसका मैट है। एक होता है ग्लॉसी टच, सही है, इसको आगे ग्लास लगा होता ना, इसका वो वाला टच नहीं है, इसका मैट टच है। मैं आपको दिखाता हूँ, सही है, ये देखें ना, इसका मैट टच है। आप यूज़ कर रहे हैं तो मैट है, मतलब इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी। लाइक ये देखें, ये बल्ब देख रहे हैं ऊपर से आपको पड़ रहा है ऐसे, बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्लास वाली होती है ना मशीन, उस पर रिफ्लेक्शन होती है बहुत ज़्यादा, आपको नज़र नहीं आता है। अगर धूप में आप यूज़ करें आउटडोर तब भी आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस पर नहीं होता। इसको फिर मैट कहते हैं, इसको मैट कहते हैं, मैट डिस्प्ले कह सकते हैं। हाँ, मैट डिस्प्ले कहते हैं इसको। और इसके अंदर मज़े की बात है जी कि फिंगरप्रिंट सेंसर है सर, कैमरे पर शटर लगा हुआ है। अगर आपने कोई मतलब आप होता है ना, कोई हैक शैक कर लेता है आपका कैमरा चल रहा है, तो आप कैमरे का शटर ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे करके शटर ऑफ? हाँ, कैमरे का शटर ऑफ हो गई, इसका बाय डिफॉल्ट है। और ये मैग्नेटिक होता है, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है सारा, ये देखे ना, ये दोबारा कीजिएगा इसको, ये उतर जाता है, ठीक है, उतर भी जाता है। एक सेकंड, उतर नहीं रहा, ये देखें ये उतर गया, ठीक है जी। चाहिए ना ब्लैक, अगर आप नहीं यूज करना तो ये उतर गया, ये मैग्नेट लगा हुआ है। अच्छा, और आप इजीली इसको यूं चिपका सकते हैं, ये शटर है बेसिकली, ठीक है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये दो सेंसर्स जो हैं इसके फेस अनलॉक के हैं, फेस इसके अंदर रीडिंग भी है, आप फेस से भी अनलॉक कर सकते हैं, इसके अंदर फिंगरप्रिंट भी है, इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड भी है, सही है। और ये टोटल मेटल बॉडी है सारी, इवन कि इसका नीचे वाला कवर जो है ना वो भी मेटल का। और इसके अंदर रैम भी एक्सटेंडेबल है, SSD भी एक्सटेंडेबल है, कोई भी इसकी चीज़ सोल्डेड नहीं है, मतलब आप इसको 64GB रैम तक लेके जा सकते हैं, 64GB रैम आप इसमें लगा सकते हैं, 1TB 2TB जितनी भी अगर आपने SSD एक्सटेंड करनी है NVMe वो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, सही है। अभी इसकी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, रेजोल्यूशन दिखाइएगा कितना। रेजोल्यूशन जो है ना इसकी सर बड़ी बेहतरीन है, Full HD IPS है। पहले मैं आपको प्रोसेसर का चेक कराता हूँ, सही है, कैसे चेक कराता हूँ, कोर्स चेक कराता हूँ। ये जवाब इसका प्रोसेसर है 8365U, ठीक है जी। ये 1.9 इसकी बेस फ्रिक्वेंसी है और ये मेरा ख्याल है कि 4 समथिंग तक जाता टर्बो के साथ, ठीक है, ठीक है जी। और सर इसके अलावा इसकी कैशे और कोर्स भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी सर जो कैशे है ना वो है 6MB, ठीक है। नॉर्मल i5 जो 7th जनरेशन तक का डुअल कोर उसकी होती है 3MB, इसकी है सर 6MB और कोर्स जो है इसके वो 4 है। लॉजिकल प्रोसेसर ये देखें 8, ठीक है गाइस, ये आप देख रहे हो, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 कोर्स हैं, 8 लॉजिकल है। और L3 कैसे जो है वो सर इसकी 6MB है, नॉर्मल i5 की 3MB होती है, नॉर्मल i7 की जो होती है वो 4MB होती है, ठीक है, जो का डुअल कोर प्रोसेसर है 7th जनरेशन। अच्छा, ये जो लॉजिकल प्रोसेसर 8 है इसलिए क्वाड कोर है ऐसे? हाँ, क्वाड कोर। अगर यहाँ पे आपके होंगे बेसिकली कोर्स को हम देखते हैं ना, ठीक है, लॉजिकल्स तो बाद में आते हैं, ठीक है, ठीक है, हमने काउंट करना। अगर यहाँ पे 2 होंगे तो डुअल कोर होगा, ठीक है, 2 होंगे, 4 है, 4 है तो क्वाड है। इसको लोग हेक्सा भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है ना हेक्सा बेसिकली होता है 6 कोर्स वाला। अच्छा, वो एज प्रोसेसर होते हैं, 8 वाला ऑक्टा होगा ना? 8 वाला आया ही नहीं लैपटॉप, वैसे ऑक्टा होता है, ऑक्टा होगा अगर आता है, लेकिन वो सिस्टम कंप्यूटर में मिलेगा आपको, लैपटॉप में नहीं आता। लैपटॉप में एज प्रोसेसर मैक्सिमम है, 6 कोर्स है, 12 लॉजिकल है, वो मैक्सिमम, ठीक हो गया। और कोर i5 है, 8365U जी। मार भाई कोर्स की बात हो गई है। हाँ जी जवाब भाई, कोर्स तो आपको दिखा दी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं रैम के ऊपर। रैम जो है सर इसकी वो 8GB लगी हुई है, इसमें 2 स्लॉट्स हैं, देखिए 1 of 2 लिखा हुआ है, मतलब एक यूज हुई भी और एक MTR है, ठीक है, एक एमपी है और एक यूज में भी। और 2400 इसकी जो है मेगाहर्ट्ज़ जो है, हाँ, मेगाहर्ट्ज़ है वो 2400 है, मतलब 2400 जो है ना वो लगे हुए इसके अंदर, सही है। और सर अल्लाह आपका भला करे, 8GB एक्सटेंडेबल है। इसके बाद इसकी रेजोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। रेजोल्यूशन जो है सर इसकी वो है Full HD IPS 1920x1080 IPS स्क्रीन है, बेहतरीन। और मैट तो आपको मैंने दिखाई दी है। इसके अलावा इसके अंदर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी हैं। और बैटरी बैकअप के वाले से हम बात करते हैं तो बैटरी जो है ना सर इसकी कम से कम भी 4 से 5 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ। लिथियम आयन बैटरी, ये लिथियम बैटरी है और काफ़ी बड़ी साइज़ की बैटरी होती है इसकी, छोटे साइज़ की बैटरी नहीं होती, सही है। और इसकी कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक बैटरी की, इंशाल्लाह
ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि जो स्टैंड बाय टाइम होता है ना 4-5 घंटे। ठीक है, चार्जर इसका 100% ओरिजिनल है, 45 वाट का चार्जर है। और मजे की बात है जो आप इसकी कंडीशन देखे हैं मशीन की, ये बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन है, कोई इस पे पेंट प्रोटेक्टर नहीं है, कोई इसको नहीं है, बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन है। इसकी साइडें देखें, इसके एजेस देखें, मेटल बॉडी है और ये पर्ल वाइट कलर है, सिल्वर कलर नहीं है, सिल्वर कलर पर्ल वाइट कलर होता है। साइड से बेसिकली सिल्वर जो होता है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, सिल्वर कलर और होता है। अच्छा। ये बड़ा खूबसूरत कलर है इसका और ये पर्ल वाइट कलर है इसका। सही है। और साइड से दूसरी साइड से देखें, बैक से भी देखें, ये देखें लेट बुक लिखा इसमें पीसेस काफी पड़े हैं हमारे पास ना, क्वांटिटी कंडीशन भी गाइस बिल्कुल साफ सुथरी है, कंडीशन बिल्कुल ए प्लस है, ओरिजिनल है, कोई रिपेयर नहीं है, कोई लोकल यूज नहीं, इन सब चीजों की वारंटी है, हर तरह से आपको लिख के देंगे वारंटी वाइज के ऊपर। सही हो गया। और अभी अभी मैं इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो क्या थे? अभी 8 GB रैम है इसमें जवाब भाई DDR4 और 256 GB इसमें SSD NVMe, ये ब्रांडेड बाय डिफॉल्ट लगी है ये इसके अंदर, ठीक है। और टच स्क्रीन है, फेस अनलॉक है, बैकलेट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट है, सारा कुछ बेहतरीन है इसका। और दोबारा से बता दूं, टच चाहिए, स्क्रीन टच चाहिए और मैट मैट, और ये देखें ना मैट टच है इसका स्क्रीन, वो ग्लास वाली नहीं। और एक और बात, इसका जो एज है आपको इस चीज का, इस मशीन का, अल्लाह ना करे आपकी स्क्रीन ब्रेक हो जाती है, आप इसमें सिंपल स्क्रीन भी लगा सकते हैं। सही है, जरूरी नहीं है कि टच ही लगानी है, वो ग्लास वाली पे जरूरी हो जाता है, जिस पे ग्लास लगा उसके ऊपर टच ही लगती है, साथ नहीं लगती है। अच्छा, इस पे दूसरी भी लगवा, ये नॉर्मल स्क्रीन भी आप लगा सकते हैं, इसका अंदर टच ऑफ करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये टच स्क्रीन है या नहीं। सही, ऑप्शनल है। ठीक है, और अभी प्राइस की बात करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स प्राइस जो है बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, प्राइस हमारी ऑलरेडी भी अच्छी होती है इंशाल्लाह, ठीक है, और आज भी अच्छी होगी। ये मिनिमम प्राइस जो है ना विदाउट बार्गेनिंग RJ500 के रेफरेंस जो बंदा भी आए 72 में मिलेगी ये, ठीक है। 8 GB 256 i5 8th जनरेशन टच, फेस अनलॉक, बैकलाइट, फिंगरप्रिंट, सारी ऑप्शन है इसके। ठीक हो गया। और मॉडल नेम 830 G6 है गाइस, ये 830 G6। और ये जो जी सीरीज चलती है ना, ये G1 से स्टार्ट होती है, G2 G3 G4 G5 और मेरे ख्याल से हमारे भाई कहां तक जाती है, G10 तक आ गई है, G10 तक। तो G10 में लेटेस्ट जनरेशन कौन सी चल रही है? 13 जनरेशन चल रही है इस वक्त। ये G6 है ना, तो इसके अंदर ये 8 जनरेशन है, G7 के अंदर जो है वो आती है 10 जनरेशन, क्योंकि 9 तो आई नहीं है। सही है, ठीक है, बहुत कम आई है, 10 जनरेशन आती है, और जो है G9 है उसमें 11th आती है, और G10 के अंदर 13 आती है। ठीक हो गया। तो ये गाइस जनरेशन जी के साथ भी इनकी बढ़ती, जैसे 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 जी बढ़ेगा वैसे वैसे जनरेशन, वैसे नॉर्मली 50 के बजट तक G3 स्टार्ट हो जाती है। 50 के बजट में मिलेगी आपको i5 6th जनरेशन G3 स्टार्ट हो जाती है। अगर आप i7 पे जाते हैं तो 5-7 हज़ार का फर्क आता है प्राइस का। सही हो गया। हमारे भाई कहाँ पे मौजूद हैं हम? सर हम लोग मौजूद हैं G49A फर्स्ट फ्लोर हफीज सेंटर ASK एंटरप्राइजेस पे, और कॉन्टेक्ट नंबर है 03454567804। हमारी पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी है, लेकिन हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते। एक बात वो क्लियर कर दूं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, आपको पेमेंट पहले अकाउंट में करानी पड़ेगी बैंक अकाउंट में, और सेकंडली TCS के पैसे भी आप पे करेंगे। ठीक, आपने जिस भी सिटी में मंगवाना है उस सिटी के आप जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपने पे कर। ये फीस सेंटर कराची में है? नहीं नहीं सर, लाहौर में है। अच्छा, लाहौर में है। हाँ, गाइस लाहौर में है यार, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कराची कराची नहीं है, इस वक्त हम लाहौर में हैं। काफी लोग मुझे फोन करके पूछते हैं जी, वीडियो पूरी देखते नहीं है, और कहते हैं जी आप दुबई प्लाजा रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, 6 रोड से बात कर रहे हैं। सर हम लोग लाहौर में बैठे हैं, जो पाकिस्तान का दिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हफीज सेंटर जो है ये IT डिपार्टमेंट का दिल है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। हमारी ये शॉप है ना वो 49A फर्स्ट फ्लोर है हफीज सेंटर, गुरुद्वारा 3 में। दिलों की बातें बड़े करते हैं आप, दिल में रहते हैं कई लोगों के। चलें सर, बहुत लोगों के। हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे भाई, इंशाल्लाह आपसे ऐसी मुलाकात होती है, ऐसे मुस्कुराते रहें, और इंशाल्लाह गाइस इस वक्त आपका दोस्त आपका RJ A500 हमारे भाई के साथ ASK एंटरप्राइज है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।